शासन के निर्देश हैं कि सभी जिलाधिकारी रोज़ 10 से 11 कम से कम एक अपने अधीन कार्यालयों का निरीक्षण करें। उसी के क्रम में यहाँ पे आज ब्लॉक संडीला का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में हमने सभी तरीके की चीज़ें देखी, जो भी ब्लॉक पे कार्य होते हैं, जैसे केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं उनकी प्रगति, जो प्रगति फाइलों पे है और जो प्रगति ऑनलाइन दिख रही है उसमें कोई गैप तो नहीं है, और ऑनलाइन में जो जैसे मनरेगा के कार्य हैं तो उसमें पहले की फ़ोटो और बाद की फ़ोटो लगाई जाती है, उसका सत्यापन ऑनलाइन खोल मतलब साइट पे जा जाके मैंने स्वयं किया। मस्टर रोल्स चेक किए कि कोई ऐसे मस्टर रोल पेंडिंग तो नहीं है जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर आ गए हों और जिनका पेमेंट नहीं किया गया हो, यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर विलम्ब हो रहा हो, तो उसमें कुछ जो 2-3 कार्यों पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो उसमें मैंने वीडियो साहब को बोला भी है कि फील्ड पे जाके आप आज वैलिडेट करके मुझे रिपोर्ट देंगे शाम तक। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास की जो प्रगति है उसकी भी समीक्षा करी गई। यहाँ पे एक आवास ऐसा मेरे संज्ञान में लाया गया कि जिसमें लाभार्थी ने अभी तक आवास नहीं बनाया है, तो उसकी इन लोगों ने कार्रवाई भी करी है, वसूली नोटिस भी जारी किए हैं, परंतु अभी तक उसमें प्रगति नहीं मिली है। तो बी डी ओ साहब ने कहा है कि उसमें सर हम RC करके उसमें वसूली की कार्रवाई करेंगे। और जो पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन या इनके कार्य कराए जा रहे हैं उसकी प्रगति की समीक्षा करी गई, NRLM की समीक्षा करी गई ADO ISP के साथ। NRLM में ADO ISP ने बताया कि यहाँ पे अभी तक जितने समूह गठित करने का लक्ष्य है उसमें से 70% उनके द्वारा कर लिए गए। मेरे द्वारा ये इनके BDO साहब द्वारा ये भी बताया गया कि सर यहाँ पे कुछ समूह के द्वारा ड्रेस की सिलाई का कार्य भी किया जा रहा है, जो कि एक अच्छे कार्यों में से हम कह सकते हैं। उसी के क्रम में मेरे द्वारा इनको बताया गया कि आप कैसे SHG और विलेज ऑर्गेनाइजेशन और ब्लॉक लॉ ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़े और एक सक्सेसफुल मॉडल जो एक्चुअली में शासनादेश या राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उसके क्रम में हम लोग एक सफल ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन बना पाएँ तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा वो रहेगा। और ब्लॉक में जो अन्य परिसर है, ब्लॉक परिसर का भी यहाँ पे सफाई व्यवस्था और इन सब का निरीक्षण किया गया। और हमारे जो यहाँ पे कर्मी रहते हैं, जो फील्ड स्टाफ है या जो यहाँ का स्टाफ है, उनकी GPF पासबुक, उनकी एंट्रीज जो रहती हैं उसमें कोई पेंडेंसी तो नहीं है, तो इन सब की समीक्षा करी गई। कार्य फिलहाल तो संतोषजनक पाया गया। एक दो चीज़ें जो मैंने वैलिडेट करने को बोली है वो शाम तक मेरे पास रिपोर्ट है।